ज्योति हरि हम न सकत कर सिफत तुम्हारे आपले हो तुम कथा सुधारे कहाँ लगे यो कीट बकान महमा तोर तुहे प्रभु जान कहाँ लगे यो कीट बकान महमा तोर तुहे प्रभु जान आपो संत मिलो मेरे पाहे कथा करो हर हर नाम बोहित है कल जुग केवट गुर शब्द तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी आसा श्री कबीर जी के तिपद अठ दुत के सत एक तुका एक एकंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया जुग जुग अटल दसा पाशाह दी आत्मिक जोत हाजरा हजूर तख्त चवर छत्र दे मालिक बाणी के बोहित तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारे सत्संग जी वडभागे हो सतगुरां दी पावन गोद अंदर बैठ करके सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र अमृतमय वचना नूं सरवण करियो शहीदां के सरताज शांति दे पुंज बाणी के जहाज लोह परलोक दे दाते तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दे पावन स्थान विखे पहुँच करके रोजाना सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र अमृतमय वचना नूं सरवण कर दियो तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज इन्हां दे मुबारक रसना तो उच्चारण किए गए मुख वाक नूं आप जी ने सरवण किया उपरंत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी बाणी दी लड़ी वार कथा विचार आरंभ है पावत कबीर साहब जी दी बाणी आसा राग दे अंदर शब्द दे आरंभ वाले पदे नूं आप जी ने सरवण किया बख्शिश कर रहे हैं भाई आसा राग दे अंदर पावत कबीर साहब जी दे जो पावन शब्द हैं तीन पद्यां वाले अठ शब्द हैं दो तुकां वाले दो पद्यां वाले सत शब्द हैं ते एक पदे वाला एक शब्द ये आसा राग दे अंदर जो पावत कबीर साहब जी के वचन उच्चारण किए गए हैं आरंभ दे विच मूल मंत्र का संखेप रूप बख्शिश किया पा के निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा एक है सर्वव्यापक है सब सृष्टि का करता है
सतगुरु महाराज जी की दया कृपा दे नाल जिस माले परमेश्वर वाहिगुरु की प्राप्ति होंगी तन तन भगत कबीर साहब जी बख्श करते हैं। भाई जिस माले परमेश्वर वाहिगुरु ने एक छोटी जिही बूंद तो बाह की रखत पिता बिंद तारा सूरत मूरत कर अपार एक छोटे जी बूंद तो कहते हैं कि यह शरीर जड़ा है निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने बनाया कि भाई इस वासा कहते हैं कि एक अग्नि के कुंड दे विच भाव के माता दे गर्भ दे विच जड़ा है यह शरीर नूं निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने पैदा किया है एक छोटी जी बूंद तो भगत कबीर साहब जी कहते हैं जीव जड़ा है भाई यह माता दे गर्भ दे विच जिथे वासा करता है निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने इस नूं भाई माता दे गर्भ कुंड दे विच उस जठर अग्नि तो कहते हैं कि आप जड़ा है हाथ दे करके दे इसकी पालना की इसकी रख्या की मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तह तुम राख नहारी पावक सागर अथाह लहर मैं तारू तारण हारी। भाई जड़ा माता दे गर्भ दे विच जीव दी रख्या सहायता करन वाले गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं पुठा जिस जगह पर पुठा लटकिया होंदा है नौ दस महीने जड़ा परमेश्वर वाहिगुरु के सिमरन के सदका जड़ा है इसका भाई बचाव होंदा है पुठा लटकिया हुआ निरंकार के चरणों में रजोइया बेनती करता कि एक बार संसार के मैनू भेजना करो तुहाड़ा सिमरन करांगा तुहाड़ी बंदगी करांगा। गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जी ने उस अवस्था के बारे बयान किया पावन बचना के द्वारा मुख तलै पैर उपरी वह संदो को हथड़ै थाई नानक सो तनी क्यों विसारियो उधरै जिसरै नाई। ते जदों भाई संसार दे विच आउंदा फिर कहिंदे हन कि उस निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु नूं अपने मन तो विसार दिंदा है भाई तेरी होंद जिहड़ी कहिंदे हन कि एक जिहड़ा है बूंद तो तेरी पैदाइश होई ते मालक परमेश्वर वाहिगुरु ने तैनूं माता दी अग्नि कुंड दे विच कहिंदे हन कि हथ दे करके तैनूं रखणा कीता है। दस मास माता उधर रखिया बहुर लागी माया ते दस महीने कहते हैं परमेश्वर वाहिगुरु ने तेनों माता के गर्भ के रख के ते तेरी रखिया सहायता की ते भाई फिर कहते हैं जदों संसार दे विच आए ते फिर तेरे उपर माया का प्रभाव पै गया माया दे नाल कहिंदे हन कि तेरा मोह पै गया ते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन भाई वह सारा माया दा पसारा जिस करके निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु की रात जिहड़ी जीव नूं विसर जांदी लेव छुड़ के लगी तृष्णा माया अमर वरताए ते माया फिर अपना अजिहा प्रभाव पाउंदी है। गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने जदों जीव जड़ा है निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु के चरणों के नालों टुट के ते संसार दे नाल जड़ा है मोह पै जांदा है माया दे प्रभाव दे विच आ जांदा है बचपन तो लै करके छोटी अवस्था तो दस अवस्थावां जिहड़ियां हन उहनां नूं बयान कीता है। सब तो पहलां कहिंदे हन कि माता दे दुध दे नाल इसदा मोह पैंदा है फिर गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं फिर भैन भरावों के नाल फिर भाई सज्जणा मित्रां दे नाल फिर जवानी दे रुत दे विच भाई इस तरह कहते हैं कि धन पदार्थ दे नाल मोह पै जांदा है
फिर तन पदार्थ नूं एकत्र करदा है, फिर काम दे विच ग्रसिया जांदा है, भाई इसतरी दे नाल नेह पै जांदा है। तो इस प्रकार दे नाल गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहिंदे हन विकारां दे विच ग्रसिया होइआ भाई ਇਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੇ ਸੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇਪ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਤਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾਹ, ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾਹ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਈ ਰਾਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਸਮੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਸ ਉਰਧਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਿਬ ਜੁੜ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਲੋਭ ਲਗੈ, ਰਤਨਮ ਜਨਮ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਤੋਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੀ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੇ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਤਮ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਅਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਹਿ ਤੇ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧਹਿ ਨਿਤ ਪਾਰ, ਚ ਮਾਧਵੇ ਭਾਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਾਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ। ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਗਵਾਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
तो नाम रूपी बीज जड़ा है ये बीजा नहीं। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के पावन बचना आप जी ने आसा की वार के अंदर सरवण किया है। पातशाह जी बख्श करते हैं जिन्हें ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। यह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वतै हर नाम न बीजियो अगै भुखा क्या खाई मन मुखा नू फिर जन्म है नानक हर पाई। ते गुरु प्यारे सत्संग जो ये परमेश्वर वाहिगुरु ने कहते हैं तेनों मौका बख्शिश किया है। ये मानो कि शरीर रूपी खेत जड़ा बत्र दे विच आया हुए ते पाई इस विच कहते हैं कि नाम रूपी बीज बीजना कर पूर्वले संस्कारां दे करके तेनों ये कीमती रतन जन्म मिलिया है। रहा बारक ते बिरज प्यार होना सो होया। भाई बालक अवस्था तो कहते हैं कि जवानी की अवस्था भी जड़ी है बतीत हो गई ते फिर जड़ा बिरध अवस्था जड़ी आ गई। ते पातशाह जी कहते हैं कि भाई ये सारा ही समा जड़ा निरंकार दे सिमरन तो बगैर जड़ा व्यर्थ है। गुरदेव पातशाह जी कहते हैं कि बालक अवस्था जड़ी खेड मल के समा जड़ा निकल जाता है। जवानी की अवस्था जड़ी है भाई खाण पीण ते विषय विकारां भोगण दे विच लंघ जाती है। तो बिरध अवस्था भी जड़ी है भाई उस विच जाके भी जे परमेश्वर का सिमरन करता नहीं। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी बख्शिश करते हैं बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन मिन बिरथा साबी मान। परमेश्वर वाहिगुरु के सिमरन तो बगैर भाई ये अवस्थावान जड़िया हैं ये कहते हैं कि यह समा जड़ा तेरा अजाई बतीत हुंदा जा रहे। ते पातशाह जी कहते हैं बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कश तप न कियो तीस बरस कश देव न पूजा फिर पछताना बिरध पियो। ते जदों भाई बिरध अवस्था आ गई ते फिर पछतावे तो बगैर जड़ा है कुछ भी रह जाना नहीं। गुरु प्यारी सत्संग जो बिरध अवस्था दे विच जेकर मन जिंदर चाहो भी है ते जीव दे पासों फिर जेकर भाई सत्संग दे विच चल के आउंदा है फिर भाई चौंकड़ा भी लगता नहीं। बहुता समा शरीर करके बैठा भी जाता नहीं शरीर भी जड़ा है इजाजत दिता नहीं। सो जेकर गुरदेव पातशाह जी कहते हैं कि भाई बालक अवस्था भी लंघ गई जवानी की अवस्था भी जड़ी खा पी के ऐशो परस्ती दे विच बतीत कर दिती ते बिरध अवस्था दे विच भी तेरे पासों कुछ होण वाला नहीं। सो निरहंकार परमेश्वर वाहिगुरु भाई जिसने तेनों संसार विच भेजिया है जा जम आए चोट पकड़ तब हे काहे रोया है। ते भाई बिरध अवस्था तो बाद फिर संसार दे विचों जदों जीव नूं जम लैण वास्ते आ गए कहिंदे हन चोटी तो आ के केसां तो आ के जदों पकड़ ले ते भाई उस समय कहिंदे हन कि कातों फिर रोना कातों विरलाप करदा कातों पछताउंदा। ते भगत कबीर साहब जी ही जिन्हां दे पावन बचन हन कहिंदे हन कि भाई जदों जमा ने चोटी तो आ के पकड़े फिर ही सुचेत होना फिर ही तू जागने। ते उस समय कहिंदे हन तेरे हाथ पछतावे तो बगैर कुछ रहना नहीं। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड मैं लागे। जदों जमा ने आके डंडा सिर दे विच मारे ते पातशाह जी कहिंदे हन भाई फिर रोवेगा जीवन है की आस कर जम निहारै सत्साह। जीव जड़ा पाई फिर जीवन की आस कर दे कि मैं संसार दे विच होर जड़ा समा कढ जावां होर समा जड़ा है मैं संसार दे विच जाउंदा रहां। परंतु भगत कबीर साहब जी कहिंदे हन भाई जम जड़ा है तेरे स्वास्थ गिण रहे जिमें
सतगुरु पातशाह जी महाराज जी बख्शिश करते हैं कि भाई माता जड़ी है ये अपने पुत्र नूं पालदी है बड़े लाड प्यार दे नाल, परंतु गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं कि इस नूं ये पता नहीं कि दम जड़ा है इसे स्वास गिण रह के कितने बाकी जड़े हैं ये रह गए हैं। माता दे मन के अंदर ख्याल है कि मेरा पुत्र जड़ा है ये बड़ा हो रही, परंतु इस बात का ज्ञान नहीं कि उसका इसकी उम्र जड़ी घटती जा रही, जितने महीने साल जड़े हैं इसे घटते जा रहे हैं। माता जानती कि ये मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, जनने जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जानत जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर अधिक लाड तार, पेखत हे जम राव हसै त जम राज जड़ै पाई, वह देख करके हस रहे स्वासा नूं गिण रहे के बाकी कितने रह गए हैं, ते जीव जड़ा है भाई संसार दे विच जीवन दी आस लाई बैठा है। बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। ये पावत कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई ये संसार दे विच मानो कि एक बाजीगर वाला जड़ा खेड है, तो जिवें बाजीगर कहते हैं कि खेड जड़ा है वह जदों शुरू करता है तो गुरु प्यारे साध संगत जी अपना तमाशा जड़ा है सारे जगत विच लोगों नूं दिखाउंदा है, तो फिर कहते हैं कि अपना जदों खेड जड़ी है समाप्त करके सब कुछ समेट लैंदा है, तो इस प्रकार वह निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने ये संसार की जड़ी खेड चलाई हुई है। तो पातशाह जी कहते हैं जो अपनी बोझ दे विच आउंदा है तो भाई इस खेड नूं समेट करके सब नूं अपने विच ही समोह लैंदा है। धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी के पावन बचन हैं, अपनी बोझ विच आवे तो निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु संसार की साजना करदा है, जीवां की पैदाइश करदा है, तो जदों भाई उस दी मौज होवे सारे संसार नूं अपने विच समेट लैंदा है, सारे संसार नूं जड़ा खत्म कर दिंदा है। सो आप ही पैदा करन वाले ते आप ही मारन वाले, उस तों बगैर जिहा कोई दूसरा करन वाला नहीं, मारे राखे एको आप मानुख कह किस नाहीं हाथ। ते गुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज जी दे पावन बचन हन, जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जाबिया करके कर तो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो। ते गुरु प्यारे साध संगत जो जिथे परमेश्वर वाहिगुरु ने धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी अज के पावन मख वाक के अंदर बख्शिश करते हैं कि मालिक परमेश्वर वाहिगुरु ने अपने भगत जनों को यह वड्याई बख्शिश की हुई है, अपने सिव सलाहुणा करन वाली अपने सिमरन नूं करन वाली निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु ने यह वड्याई बख्शिश की हुई है, तो यह मालवे परमेश्वर वाहिगुरु का सुभा है भाई अपने भगत प्यारे की जड़ा आदिकाल तो रखे सहायता करता आ रहे, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तो रखदा आया प्रहलाद, जन तुद राख ले हर जियो, हरनाक्ष मार पचाए, गुरमुखा नूं प्रतीत है हर जियो, मानमुख भरम भुलाए, ते जिहड़े गुरमुख जन हन उन्हां नूं इस गल ते भरोसा विश्वास है कि निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा अपने भगत प्यारे की रखिया सहायता करता है ते खीर तक जिहड़ा है वह करता रहेंगे। ते गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं मनमुखी जीवां नूं प्रतीत भरोसा नहीं, मनमुखां नूं प्रतीत न आवी अंतर लोभ सुभाउ, गुरमुख हिरदय मनमुख हिरदय शब्द न पेट्यो, हर नाम न लागा पाओ, कूड़ कपट पाज लै जासी, मनमुख फीका अलाओ। ते जिथे मनमुखी जीव जिहड़ा है भाई जिथे निरंकार दे चरणा ते भरोसा नहीं उत्थे गुरदेव पातशाह जी महाराज जी कहते हैं कूड़ कपट कपट के लगा हुए
ਛਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਤੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਨਮ ਹੈ ਪਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੇ ਸੋਇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਡੇ ਦੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਡਾਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਡੇ ਦੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਭਗਤੇ ਹੋ ਤੋਂ ਜਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਜੀਓ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ ਹੈਪੀ ਹੋਨੀ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।